अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चुनावी मौसम में शुरू हुआ भविष्यवाणियों का दौर है। हरसिमरत के हैट्रिक लगाने के आसार हैं। पंजाब में शीत के उभार की संभावना पर नीत कौर है ही राह इस बार भी नहीं आसान। शर्मा ने बताया कि पंजाब की प्रश्न कुंडली के अनुसार प्रदेश की राजनीति ग्रहों की दशा अकाली दल के लिए खुशी की खबर दे रही है। पहले भी सच साबित हो चुकी भविष्यवाणियों के अनुसार विषयोग जिसकी वजह साल पहले यानी वर्ष 2013 में ही भाजपा को बंपर सफलता मिलने पर श्री देव शर्मा ने भविष्यवाणी की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा अपना टैरो का रीडर देव। मैं धन्यवाद करता हाँ अपील न्यूज़ का जिन्होंने मैं थोड़े रूबरू किया गा। अज मैं दसन जा रहा हाँ कि मेरे भैन भरावान ने पूछा है कि 2013 पंजदेव शर्मा जी तुम भविष्यवाणी की साढ़े देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनूगा वो थोड़ी सच हुई। अज मैं अपील न्यूज़ वाले ने पूछा कि पंडित जी 2013 थोड़ी प्रडिक्शन सच हुई थी, तुम हूँ की कहना चाहते हो हम इलैक्शन बारे कि इस बार 2019 के कौन साढ़े देश का प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा है। तो दोस्तों प्रश्न कुंडली मुताबक जो मैं राहुल जी की सोनिया जी की प्रियंका गांधी जी की जो प्रश्न कुंडली बनाई उस मुताबिक मैं तुम्हें दसना जा रहा हाँ कि जो राहुल जी की प्रश्न कुंडली है उसके विच जो जनता का चौथे घर का जो मालक है वह अठवें हाउस के चलिया गया। जदों जनता का मालक अठवें हाउस के चलिया जाए यानी कि संभाव के चलिया जाए उदो इंसान हौसला शक्ति दिता लोगों उस एक नवी भावना जगा एक नवी शक्ति पैदा होती है। पर जो लगन का मालिक है वो सातवें हाउस चलिया गया। इंसान कई बार कुछ ऐसा गल् इंसान कह बैठता या कुछ ऐसे जल्दबाजी से ऐसे फैसले ले लगा जिद करके उन्होंने बदनामी का भी सामना करना पैदा गा। पर नीच का बृहस्पति गोचर के फिर नौवें हाउस के जा रहा है इस करके इन्हों इस बार जनता का जनता के वोट बैंक बनाने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा। दोस्तों अगली जी असं गल करते हैं कुंडली की वह हैगी है सोनिया गांधी जी की। तो सोनिया गांधी जी की कुंडली के जो ग्रहों की पोजिशन वो बहुत सोहनी है। उस दे विच की है जो मंगल भाव मंगल जो पहले हाउस का मालिक आ अपने भाव में यानी सातवें हाउस में पूर्ण दृष्टि न देख रहा है और जो बृहस्पति इस टाइम बकर गति का चल रहा तो जो इलैक्शन तो बाद चलना यानी कि 22 जुलाई तक उसका समा भी उन्होंने फीवर के। तो दोस्तों नैक्सट गल प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी दोस्तों इस बार जो प्रियंका गांधी की कुंडली है जिस टाइम उन्होंने राजनीति से प्रवेश किया यानी कांग्रेस पार्टी के प्रवेश किया जो उसका आप प्रश्न कुंडली बनाइए तो हम भी प्रश्न कुंडली आप मैच करिए तो उस टाइम के दोनों कुंडलियों के वक्र गति के जो ग्रह थे दोनों नौवें घर में इंडिकेट कर रहे थे। इसका मतलब की है बहुत प्रभावशाली है क्या इन्हों के मुताबिक यह राजनीति कांग्रेस पार्टी का कद कढ़न कामयाब हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी कुंडली के गुरु राहु जिन्होंने नौवें और अठवें पास अठवें का गोचर करते हुए इन्होंने एक बार पहले पिछली चोणों के भी इन्हों मतलब कि जित हासिल करवाई सी। पर इस बार जो उत्तरती हुई सारसती आ और चौथे हाउस का जो ग्रह आ वह तीसरे हाउस से अभी शुभ नहीं मानते लेकिन एक आदेश शक्ति एक साधना एक पावर शक्ति इन्हों जुड़ी रहेगी हद तो ज़्यादा आत्मविश्वास इन्हों कामयाबी दवाऊगा। पिछलियाँ जो चोणा हुई उन्होंने जो गलतियां की ग्रहों मुताबिक इस बार उन्होंने सुधार लियाऊगा। तो टोटल मिला के दोस्तों जो सारिया कुंडलियों असी योग वाल देखिए तो यही लगता कि जोर तोर की राजनीति नरेंद्र मोदी जी इस बार 2019 के देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे अपनी सरकार बना जाएंगे। मैं थोड़ा अपना टैरो कार्ड रीडर देव शर्मा नमस्कार। मैं तो बड़ी खुशी हो रही है वैसे भी जो असं लोगों के जाने हैं तो लोगों के बड़ा वाला उत्साह है जो पिछले 10 साल बीबा हरसिमरत कौर बादल ने काम किए तो मोदी साहब ने 5 साल देश दे एक बहुत बड़ी नवे भारत बनाने उन्होंने जी शुरुआत की है वो लोगों का योगदान देंगे मतलब लोगों के पूरा योगदान देंगे। देश जिते बीबा जी इतों जित के जाएंगे उत्थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं होर भी खुशी हुई है कि जो पंडित जी ने पटीशन की है मैं मतलब बिल्कुल शब्द नहीं जिन्हां नाल मैं बहुत मैं तुम दस सकता मैं बहुत खुशी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।